तो देखिए, कुछ लोग होते हैं लाइफ में जो के होते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नन. कुछ लोग होते हैं जो होते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ वन. लेकिन कुछ रेयर लोग, रेयर स्पीशीज जिसे हम कह सकते हैं, वो ऐसी होती हैं जो सारे ट्रेड्स को मास्टर करना चाहते हैं. ऑफ कोर्स दे आर क्वाइट गुड एट दैट. और आज पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में मेरे साथ है एक ऐसी रेयर सेलिब्रिटी जो कि मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड्स हम कह सकते हैं. हाय, मैं हूं निधि एंड जॉइनिंग मी टुडे इज अ ब्यूटिफुल एक्ट्रेस, सिंगर, पोएट, रैपर. वैसे लिस्ट में बहुत कुछ है, वो खुद अपना इंट्रोडक्शन दे. कनिषा अवस्थी. सो कनिषा, अ वार्म वेलकम टू यू फर्स्ट ऑफ ऑल. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच निधि फॉर सच अ ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन एंड आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने मुझे इतना वार्म वेलकम किया है. एंड एंड इट्स रियली माय प्रिविलेज टू बी हियर ऑन पंजाब केसरी टॉकिंग टू यू. थैंक यू सो वेरी मच फॉर सच काइंड वर्ड्स. ओके, यू मोस्ट वेलकम कनिषा. लेकिन मुझे बताइए, मैंने कुछ छोड़ा है आपकी प्रोफाइल में? आप एक्ट्रेस हैं, आप एक्टर हैं, आप एमसी हैं, आप सिंगर हैं? जी, सो मेरे करियर की शुरुआत निधि दरअसल एंकरिंग से हुई. मेरे करियर की शुरुआत एक चैनल बी पे शो आया करता था, स्टाइल जंकी. उसके साथ मेरे करियर की शुरुआत हुई. जिसके बाद मैंने यूटीवी स्टार्स पे भी एक शो किया था स्टाइल एडिक करके. एंड आफ्टर दैट आई गॉट ऑन डूइंग अ लॉट ऑफ लाइव इवेंट्स. तो मैंने बाकायदा 4-5 साल एमसीइंग जिसे हम कहते हैं लाइव इवेंट्स वो किए हैं. एंड आई डिड अबाउट ओवर 300 लाइव इवेंट्स अक्रॉस ऑल सेक्टर्स. यू नो, कॉर्पोरेट हो गया आपका, वेडिंग्स हो गई, कॉन्सर्ट्स हो गए. एंड गॉट टू ट्रैवल अ लॉट विद दैट एंड गॉट टू एक्सपीरियंस अ लॉट. एंड देन इंडस्ट्री के अंदर यू नो ये जो वेब वेब लाइक आई थिंक स्ट्रक्चर एंड थोड़ा कह सकते हैं जब ये स्ट्रक्चर आने लगा, यू नो कास्टिंग एजेंट्स होने लगे, कास्टिंग डायरेक्टर्स होने लगे, जब एक मिडिल ग्राउंड बन पाया यू नो विद द होल एडवेंट ऑफ वेब वर्ल्ड एंड एवरीथिंग, तब मैं बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से ऑडिशन देना शुरू किया. लाइक यू नो लिटरली लाइक हाउ 9 to 5 आप जॉब पे जाते हैं, उस तरह से मैं ऑडिशन दिया करती थी. एंड उसके बाद काफी मुशक्कत, काफी फेलियर्स वगैरह, 1.5 साल तक यू नो ऑफ एंड ऑन ऑफ एंड ऑन एक प्रोजेक्ट मिला फिर नहीं मिला, जैसे होता है आई एम श्योर हर एक की लाइफ में ही होता है, इट्स नॉट जस्ट मी. एंड उसके बाद लकीली मेरे 3 शोज मुझे आई बैक 3 शोज. एक तो हसमुख नेटफ्लिक्स पे जहाँ मैंने रोमा का किरदार निभाया था, एक मस्तराम जहाँ मुझे बहुत सराहना मिली दरअसल ऑडियंस की, तो मेरे लिए बहुत ही खास रोल है वो मिस रीटा. एंड थर्ड वाला जो रक्तांचल पॉलिटिकल ड्रामा में अगेन फॉर एमएक्स, जिसमें आपने मुझे बिंदु के किरदार में देखा था. एंड नाउ आई एम डूइंग 2 फिल्म्स जो कि डिजिटल ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज होंगी. वन इज गोइंग टू बी ऑन Z5 व्हिच इज कोलाफतेश एंड द अदर इज गोइंग टू बी ऑन हॉटस्टार. ऐसे ही वर्क वाइज आपकी जो प्लेट है फुल रहे और काफी वैरायटी भी उसमें रहे. बट करिशा, टेल मी समथिंग, यू कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ परफॉर्मर्स राइट? तो कितना प्रेशर चाइल्डहुड से रहा है या फिर यू नो यू न्यू के आई वॉन्ट टू गेट इन टू दिस इंडस्ट्री? सो एक्चुअली निधि, यू नो सरप्राइजिंगली देयर वॉज प्रेशर फॉर एकेडेमिक्स बिकॉज मेरे ग्रैंड पेरेंट्स वो PhD थे एंड यू नो बचपन से पढ़ाई लिखाई का बहुत माहौल था. माई अंकल इज फ्रॉम प्रिंसटन ऑल्सो एंड माई सिस्टर इज नाउ गोइंग टू NCET. तो मेरे पेरेंट्स इस बात की मतलब दे वर नॉट इन फेवर की मैं यू नो इस इंडस्ट्री में आऊँ. दे रियली वॉन्टेड फॉर मी टू डू एन MBA, गो टू अ बी स्कूल. एंड जो मेरा नेचर भी है, ऑलवेज बीन लाइक अ नर्ड, यू नो आई एम वेरी लाइक आई हैव ऑलवेज बीन क्यूरियस एंड रीडिंग एंड ऑल दैट. तो माय मॉम आल्सो बिकॉज वो इंडस्ट्री से थी, यू नो शी इज बीन अ सिंगर इन हर टाइम. उनको पता था कि बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स होते हैं. एंड आई थिंक फॉर अ पेरेंट इट्स यू नो दे ऑलवेज वॉन्ट द बेस्ट फॉर अस. उस समय मुझे समझ में नहीं आता था कि वाई इज शी अगेंस्ट दिस, यू नो वाई इज शी नॉट सपोर्टिंग मी. And she was telling me, you don't understand the anxiety, you don't understand the instability. But जब मैंने अपनी struggle शुरू की, then I understood, you know, what she meant by it. It is definitely very hard. I cannot say it's not only hard in terms of how unstable it is. कि आपका rejection तो obviously बहुत ज़्यादा होगा आपके selection से, but it requires a lot of personal sacrifices also. जैसे you know you can't just be out with your friends every time. You can't you know casually get in and out of relationships, dating, what not, you know, because your focus has to be
your focus has to be so unilateral. It has got to be that one focus, you know, because it's so competitive and it's a hard industry. As a life also, it's a vagabond life, right? Like, aaj aap yahan shoot kar rahe, kal wahan shoot kar rahe, aaj is jagah pe, kal usi unke saath hai. So it's a banjara kind of a life. So, I mean, it's definitely hard, but you got to do it if you decide. I mean, then you have to be ready for the stakes being... Then you have to be ready for whatever the stakes are, you know. Then you have to know that, okay, it's going to be a difficult life because the reward is higher. There's going to be a bigger price to pay. Yeah, but tell me something on and off. Ye ek debate jo hai hamari industry mein rehti hai about nepotism and people from the industry or their kids from, you know, if they want to get into the industry, to unke liye thoda sa cakewalk ho jata hai, ya easier than it is for people from outside. But do you agree with it or you've had your fair share of struggle? Oh my God, fair share? I think I had way too much struggle. fair share is putting it very lightly, actually. Yeah. I had too much struggle. I had so many failures. And I honestly, I don't think about these things because I don't want to sit and analyze. I want to get into that whole victim mentality. I've never believed ki mere hi saath aisa kyun hota hai, but वाकई में अगर ये जो idiom है ना मेरे ही साथ literally I think it was meant कि you won't believe it, okay, even before Hasmukh and Mastram and Raktanchal, that year I was shortlisted, super shortlisted जिसे कहा जाता है, जब आप lowest के level तक पहुंच जाते हो, 11 web shows, 11, and I got through only 3, you know, so ऐसे आप देखने जाओ तो लोगों को लगता है you got 3 web shows, yeah, congrats, you know, and all. They don't know the 11 web shows and uske piche ki jo jadoo hoti hai. If I got super shortlisted for 11, I must have gone for at least 500. Wow. If you are taking realistic this thing. And the mental pressure, you know, because what happens is when you're shortlisted in long format, you're shortlisted for a very long time. You know, they do rounds and rounds and rounds of auditions with you. Mm-hmm. Baar baar aapke saath ek basic audition hota hai, ya phir ek look test hota hai, ek photo shoot hota hai, toh aap 1.5 mahine se audition hi de rahe ho. So the mental pressure come with it and all, you know. But so yes, I had a lot of struggle and I'm prepared for even struggle ahead also because see, the thing is, it's like a job, like how I look at it, you know, just a job mein, every day we can't look for promotion, right? Every day if a banker wants a job, he cannot think, every day, you know, manager will give me a promotion. He has to do a job. There will be good days, bad days. That's how I look at it. Yeah, just another job, which is the only difference is, which is going to be probably harder and more unstable. But you know, I am ready for the struggle. I've always been ready for. I come with the mindset that struggle, hey, yaar, where there's good, there will be also, where there's reward, there will also be, you know, like it's fair share of trials, and that's okay with me, I guess. So long as I'm able to back it up with the work, good work, and so long as I'm able to be busy, be a working actor, and you know, be a working performing artist, then that's my only goal. Great. And you know, talking to you, it gives me an impression that you know, you're not one of those people who's just into this industry for the glamour part of it, but you are into it because aap samajhte hai uske nuances ko, you love what you do, and I think in a way you're trying to say that Kanisha is here and here to stay. Yes, I'm definitely saying that, and thank you first of all for that analysis. I have never been somebody who even identifies too much with physicality. You know, I'm not even somebody who looks into the mirror a lot or any of that. You know, so I basically my pursuit is, you know, my pursuit is just to set a goal, strive for it because I want to see who I become in the pursuit of that goal. You know, it's about any goal setting, right? If you're an entrepreneur, if you're, you know, if let's say you're an athlete, you know, you set a goal and you have to achieve that goal. It's just about goal setting and achieving that goal because you want to know what you come out as on the other side. So for me, it's just that challenge. I have seen that I have a goal in my life. I have set a goal. And if I haven't achieved that goal, then my whole life is right as a human being. Dil hi goal tha ki mujhe karke dikhana hai and agar maine wo goal jo ki main karungi kya to who will I become at the end of it, you know, that's my curiosity, that who will I come out as at the end of it all. Correct. But tell me, itni sari cheeze aapne ki, you are an actress, you also you write, you've been an actor, anchor and MC, you also rap if I'm not wrong.
आग बंद करके होता है ना, कुछ चीजें हम आग बंद करके भी कर सकते हैं. तो आउट ऑफ ऑल दिस दैट यू हैव इन योर प्लेट. सो पर्सनली फॉर मी द आई ग्रेविटेट द मोस्ट टू सिंगिंग एंड एक्टिंग. दैट्स व्हेन आई एम द हैप्पीएस्ट. यू नो इट बोलते हैं ना कि यू आर इन अ ट्रांस. सो व्हेन आई एम ऑन स्टेज इफ आई एम सिंगिंग और व्हेन आई एम एक्टिंग आई एम स्लिपिंग इन एंड आउट ऑफ समबडी अदर देन हु आई एम, राइट? अ कैरेक्टर, अ वर्चुअल existence. So the thrill of it, you know, because that person has a different backstory. That person is not me, you know. So you're getting to live another short little life within your life, which is so exciting. Because imagine, yeah, like just living your own life. I mean, come on, like even if you're Monica Bellucci, you will get bored of it, you know. You get bored of just being the same person every day, right? So also every character you play just leaves something in you, right, which stays in you for you to carry, and that adds to your personality also. That adds an aspect to your personality. So that makes you a more variant human being, you know. That makes you a more dynamic, more variant human being. So just the thrill of that and music, these two things, I think I'm born to do. I'm born to sing and act. I really believe that. And I think when you're talking about singing, तो हमारे जैसे हिंदुस्तान में बहुत अभी भी अगर देखें क्लिशे सी कहावत है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा. तो ऑफकोर्स यू आर सपना अवस्थी मैम्स डॉटर. तो वो तो मतलब हम गिवन लेके ही चलेंगे कि गाना तो गाती ही है कनिशा. बट अभी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आपको सुना नहीं है, तो वुड यू बी काइंड इनाफ कि हमारी जो पंजाब केस की और नवोदय टाइम्स की ऑडियंस है उसको आप प्लीज कुछ सुनाए. ओके, सो आई वुड लाइक टू सिंग वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स बाय मोहम्मद रफी साहब. It's called Tum Jo Mil Gaye Ho. So each line, and this I dedicated to all the our listeners and to you also. Tum Jo Mil Gaye Ho, to ye lagta hai ki jahan. जहाँ वो एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया जहाँ तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां So this was a nice rendition basically to an old classic. और बहुत अच्छा आपने गाया है. एंड आई एम श्योर जब आप रैप करती हैं तो वो भी एक थोड़ा सा एक मॉडर्न ट्वीक उसमें होता है. नॉट मेनी फीमेल रैपर्स दैट इंडिया इज ब्लेस्ड विद. So of course I hope you pursue that also. Or apart from web series, apart from movies, Kanisha ko hum aise gaate hue rap karte hue bhi zarur dekhe aur sune. Singing ke kafi plans hai, you know. Actually this year I'll be putting a few of my originals and I will be dropping an EP, an extended play, because it's just been my dream and I cannot live without music, you know. It's much more than just a vocation for me. Actually it's a therapy. It's my best friend through everything, you know. When I've been happy, when I've been sad, every memory in my life is related to a piece of music or a song, you know. So music is so pivotal in my life and I can't imagine my existence without music, you know. So wo to karna hi karna hai. And acting is now, luckily, you know, bahut mujhe prashansa mil rahi hai. Mujhe actually darasal इतना अंदाजा था कि मैंने कभी एनालाइज किया नहीं था बैठ के कि आई एम एक्चुअली अ गुड एक्टर और बैड एक्टर. बट देन जिस तरह से मैंने कुछ प्लेस वगैरह भी किए थे इंग्लिश में एंड आई हैव आल्सो डन अ कोर्स फ्रॉम क्रिएटिंग कैरेक्टर्स बिकॉज आई एम अ स्टूडियस पर्सन. तो मैं हर चीज में कोर्स पहले ही कर लेती हूं. आई विल पढ़ के जाएंगे. हाँ मतलब कोर्स करना ही करना है. I'm of that वेरी स्टूडियस kind of मेरा मतलब एक वो थिंकिंग है कि हर चीज जो भी परस्यू करनी प्रोफेशनली उसका पहले कोर्स करो. सो वो ही मद्देनजर मैंने एक्टिंग का भी कोर्स किया था एंड मुझे काफी सराहना दी जाती थी तब भी. लेकिन जब तक आपको वो यू नो ग्रेटिफिकेशन ऑडियंस से नहीं मिलता है यू कांट लेट
praise or, you know, criticism get to your head, right? You have to be a little disconnected with it, and you got to have a sense of discord, because also this industry is non-linear, you know. Koi aisa nahi hai ki aapki trajectory koi predict kar sakta 100% 100%, you know, what can you call it, 100% not even approximation, 100% accuration ke saath, you know, nobody can predict. So it's better to just go and do your best and then forget about it. I think it's up to the audience and it's up to so many other factors to decide whether or not you are good at your job or not. And I think beyond giving our best, we should not think too much. Great. Okay, so apart from being somebody who's very studious, apart from being somebody जो कि पूरी preparation के साथ जाती है जिस भी चीज में जाती है, जो हमारे interview से अभी तक हमारे I'm sure audience को भी पता चला होगा, what is the one thing that Kanisha wants her fans, her followers and जो भी उनको भी इस वक्त देख रहा है to know about her personally? I want them to know that I feel very strongly for the cause of the animals, and I think in our country the condition of animals is very, very sad, and the animal rights are very poor. So I think, you know, Gandhi ji ne kaha tha ki country ki tarakki uske, you know, animals ki condition mein padhai ja sakti hai. So wo dekhte hue, I think we need to really buck up, and more people need to get involved with the, you know, animal service. And बहुत सारे ऐसे स्ट्रे एनजीओज हैं जिनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिलता है. सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज, यू नो, लेट्स जस्ट डू आवर बिट फॉर द वॉइसलेस. दे डोंट हैव वॉइस एंड वी नीड टू डू समथिंग, यू नो, वी नीड टू यूज आवर वॉइस. दैट्स द लीस्ट वी कैन डू. सो दैट्स वन थिंग आई वांट देम टू नो, दैट स्ट्रे एनिमल्स इज समथिंग आई एम वेरी कंसर्न्ड एंड पैशनेट अबाउट. Great. So Kanisha, it's been a pleasure talking to you, and I really hope and pray to God कि आप जितने भी, चाहे आप music launch कर रहे हैं या फिर आपका channel launch कर रहे हैं या किसी movie में काम कर रहे हैं, जो भी काम करें, definitely आप तो 100% उसमें देती हैं, लेकिन उसका 100% output भी आपको मिले और बहुत सारा प्यार आपको और लोगों का मिले. Thank you so much, Nidhi. It was really a privilege and pleasure being here with you. And thank you so much. Thank you. And all the best for your future. और ऐसे ही और उभरते हुए सितारों से, आपके फेवरेट स्टार से आपकी बात कराते रहेंगे पंजाब केसरी नवोदय टाइम पे. आप हमें फॉलो करते रहिए और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत. बाय बाय.